Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है इस पाठ्यक्रम में दस व्याख्यान की श्रृंखला तैयार की गई है जिसमें स्वच्छता समाज संस्कृति पर्यावरण इसके अंतर संबंधों पर चर्चा की गई है स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम जिसको अंग्रेजी में सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का जो कोर्स कहा जाता है इसमें हम इस पक्षों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि समाज उसमें जो अंतर्निहित सांस्कृतिक धारणाएं हैं मूल्य हैं परंपराएं हैं पर्यावरण है विकास है इसको कैसे एक साथ देखा जा सकता है और साथ ही हम यह भी इसमें चर्चा करेंगे कि स्वच्छता जो है ये सिर्फ चिकित्सकीय या पर्यावरणीय धारणाओं के एंगल्स उससे नहीं देखा जा सकता है बल्कि स्वच्छता है दैनिक जो हम व्यवहार करते हैं हमारी जो दिनचर्या होती है हम जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं हम जो एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं इन सब को मिलाकर कैसे हम स्वच्छता को समझ सकते हैं जिससे स्वच्छता के, के को एक व्यापक रूप से हम देख सकें जिससे हमें ये पता चल सके कि स्वच्छता का आज के चारों ओर जो हम लोग सुन रहे हैं कि स्वच्छता पर्यावरण महत्वपूर्ण विषय है तो इस दस श्रृंखला के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि स्वच्छता का समाजशास्त्र वस्तुतः हमें व्यवहार परिवर्तन के लिए चिंत अपने चिंतन को परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सकता है जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही स्वच्छता भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहा है भूमंडलीकरण के कारण या जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है तो परिवर्तन समाज में होते आ रहे हैं और साथ ही जो आज के द, आज का जो भूमंडलीकरण का दौर है इसमें जो पर्यावरण में जो परिवर्तन होते आ रहे हैं हमारे सामाजिक मान्यताओं में जो परिवर्तन होते आ रहे हैं हमारे विचारधाराओं में जो परिवर्तन होते जा रहे हैं इससे स्वच्छता किस तरह प्रभावित हुआ है और स्वच्छता का वर्तमान परिवेश में महत्व और क्यों बढ़ गया है इन सभी बिंदुओं पर हम इसमें चर्चा करेंगे सामान्य रूप में जाना जाता है कि स्वच्छता एक खास दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए और इसी एंगल से इसको लिया जाना चाहिए जबकि स्वच्छता से संबंधित हमारे जो व्यवहार हैं स्वच्छता से संबंधित जो हम बाकी वार्तालाप करते हैं बाकी अपना जो पब्लिक प्लेस में या दूसरों के जगह पर भी हमारा जो व्यवहार रहता है उसमें भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है सामान्य रूप में जब हम ये बात कर रहे हैं कि स्वच्छता जिसको चिकित्सा शास्त्र से या पर्यावरण के एंगल से ही सिर्फ देखा जा सकता है एक मत ये भी है कि इसको इसका आर्थिक पक्ष ही प्रबल है इसको आर्थिक पक्ष से देखा जाना चाहिए यहाँ हमें ये एक चर्चा कर लेनी चाहिए कि गुनर मिडल की एक किताब थी एशियन ड्रामा एशियन ड्रामा जो कि गुनर मिडल की अमर कृति है उसमें उन्होंने स्पष्टता कहा है कि संसाधनों की कमी नहीं कारण माना जा सकता है कि स्वच्छता का अभाव अगर किसी समाज में है तो अगर किसी समाज में स्वच्छता का कारण है अभाव है तो स्वच्छता का अभाव का कारण सिर्फ संसाधनों की कमी ही नहीं है बल्कि वहाँ जागरूकता का अभाव भी है वह भी कारण हो सकता है अशिक्षा है वह भी कारण हो सकता है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से गुनर मिडल ने अपनी किताब एशियन ड्रामा में कहा है कि सिर्फ संसाधनों की कमी को ही नहीं आधार माना जा सकता है और जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तब पाएंगे कि अगर आर्थिक पक्ष के अलावा भी अगर बाकी संसाधन पक्ष के अलावा भी कई इसके आयाम हैं तब इसको समझने की जरूरत जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है खास करके आज के दौर में जहाँ सब ओर चर्चा हो रही है पर्यावरण की और सभ्यता की हर ओर इसकी लोग चर्चा करते जा रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छता की अनदेखी करने के कारण जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं या जितनी मृत्यु हो रही है चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है कई अन्य बीमारियों के कारण जिसका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं कि या तो युद्ध के कारण या और किसी बड़े बीमारी के कारण इतने लोग मारे गए हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं लेकिन स्वच्छता के कारण और इसका जो हम लोग जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं समाज में जो इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रलय राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है जब हम कोई वाहन चला रहते हैं चलाते रहते हैं तब उसके आईना पर एक संवाद लिखा रहता है जो कि ड्राइविंग के समय हमको मदद करता है कि पीछे आ रही गाड़ी जो आपको दिख रही है वो उससे नजदीक है जितना दूर वो दिख रही है आईना में उससे नजदीक वो गाड़ी है यह जो संकेत है यह हमें ड्राइविंग करने के समय तो मदद करता है कि आप जान लीजिए जो दूर है यही संदेश हमें स्वच्छता का अगर हम तिरस्कार करते हैं स्वच्छता की अगर हम अच्छी तरह ध्यान देखभाल नहीं करते हैं तो यह संदेश इसके लिए भी उपयुक्त है कि अगर हम स्वच्छता की अनदेखी कर रहे हैं तो इसके जो होने वाले कुप्रभाव हैं समाज पर राष्ट्र पर विश्व पर ये कुछ ज़्यादा हैं जितना हम अंदाज़ा कर रहे हैं कि जितना हम अनुमान कर रहे हैं कि स्वच्छता के अनदेखी करने के कारण इतना बड़ा प्रलय आ सकता है या इतनी ज़्यादा नुकसान हमें होने वाली है उससे ज़्यादा नुकसान हो सकती है अगर हम स्वच्छता का भरपूर और स्वच्छता का हम ठीक से समाधान नहीं करेंगे स्वच्छता से संबंधित अपने व्यवहार को नहीं लाएंगे और समाज में व्यापक स्तर इस पर इसकी चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे जैसा कि हम सब जानते हैं समाज के विभिन्न अंगों समाज के विभिन्न ढांचा समाज के विभिन्न अंतर अंतक्रिया परिवार विवाह और जितने समाज से संबंधित तत्व हैं इनका जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे ही हम समाजशास्त्र कहते हैं समाजशास्त्र में जब हम देखते हैं कि समाज का व्यापक स्तर पर ये अध्ययन करता है कैसे समाज का संचार सुचारू रूप से संचार हो कैसे समाज ठीक से काम करते रहे इसी तरह जब हम स्वच्छता का समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं तो स्वच्छता से संबंधित समाज में जो मान्यताएं हैं समाज में जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है समाज में जो रूढ़िगत मान्यताएं हैं समाज में जो जाति समाजीकरण लिंग और इससे संबंधित जो कई और तत्व हैं इससे संबंधित चर्चा पर चर्चा करने की भी जरूरत है जिसे ही हम स्वच्छता का समाजशास्त्र में करने का प्रयास करते हैं जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो एक तो होता है इसमें हम सिद्धांत का अध्ययन करते हैं दूसरा इसके व्यावहारिक पक्ष की भी चर्चा की जाती है अप्लाइड सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं जब हम व्यावहारिक पक्ष की चर्चा करते हैं तो उसमें हम प्रयास करते हैं जो हम जो दे दिन प्रतिदिन की अपने क्रियाओं में या जो सामान्य रूप से हम जब अपना दिन प्रतिदिन की क्रिया करते रहते हैं उसमें जो हम पाते हैं कि इसका जो व्यवहार में पक्ष में जब हम लाते हैं जो कि सामान्यतः सैद्धांतिक पक्ष से थोड़ा अलग होता है उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए भी हमें पढ़ाई करनी चाहिए उसके लिए भी हमें कुछ सीखना चाहिए और उसके सुधार के लिए भी समाज शास्त्र में अगर संभव हो हमें कुछ विकल्प ढूंढने की जरूरत है क्योंकि समाज का अध्ययन समाज शास्त्र करता है अगर स्वच्छता का समाज शास्त्र इस दिशा में नहीं काम करता है या स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर समाजशास्त्र खुलकर चर्चा नहीं करती है इसका विकल्प ढूंढने का नहीं प्रयास करती है तब समाजशास्त्र का अध्ययन आखिर क्या किस दिन काम आएगा और समाजशास्त्र का जब हम वैज्ञानिक पद्धत से अध्ययन करते हैं तो इसका उपयोग हम समाज की भलाई के लिए भी कर सकते हैं इसी हिसाब से हमें देखना चाहिए जैसे समाजशास्त्र का अठारह ईस्वी में अगस्त कॉम उसके पिता माने जाते हैं अगस्त कॉम्प्ट अठारह में समाजशास्त्र की शुरुआत की और इसीलिए वो समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कॉम्प्ट माने जाते हैं भारत में 2013 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा माननीय पद्मभूषण विंदेश्वर पाठक के द्वारा स्वच्छता के समाजशास्त्र की व्यापक चर्चा की शुरुआत की गई इसीलिए विंदेश्वर पाठक समाज स्वच्छता के समाज शास्त्र के व्यापक चर्चा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इनका अग्रणी योगदान है बिंदुसर पाठक जी का स्वच्छता के समाज शास्त्र में 2013 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे समाजशास्त्री इकट्ठा हुए थे उन्होंने बहुत सादा उस पर अकादमिक मंथन किया था उस अकादमिक मंथन के बाद ये अनुभव किया गया कि वस्तुतः स्वच्छता के समाजशास्त्र की व्यापक चर्चा की जानी चाहिए इस पर किताब लिखी जानी चाहिए इस पर संकोष की जानी चाहिए और आज के समय में स्वच्छता का समाजशास्त्र है इसकी व्यापक चर्चा जरूर होनी चाहिए जब हम स्वच्छता के समाजशास्त्र की व्यापक चर्चा की चर्चा बात करते हैं और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि स्वच्छता के समाजशास्त्र की क्यों हम चर्चा करें और इसकी क्या जरूरत है हमें यह देखना चाहिए कि इससे न सिर्फ समाज का समुचित विकास होगा राष्ट्र का समुचित विकास होगा विश्व का समुचित विकास होगा बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं कि अपने व्यक्तित्व निर्माण में भी अगर हम स्वच्छता के समाज शास्त्र से संबंधित अपना व्यवहार करते हैं तो उससे हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम कर सकते हैं न सिर्फ अपना व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं बल्कि समाज में जो खास वंचित वर्ग के लोग हैं जो खास करके माना जाता है कि स्वच्छता से संबंधित वही जो वर्ग है वही जो जाति है वही उससे जुड़ा हुआ है उसकी जीवन दशा उसकी परिस्थिति को सुधारने में भी हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं लिंग से संबंधित जो धारणाएं हैं या और कई मान्यताएं हैं स्वच्छता से संबंधित अगर हम इन मान्यताओं को भी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो ये भी हमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य कर रही है और इससे हमें ये भी लाभ होगा हम समाजशास्त्र के छात्र जानते हैं मैक्सवेबर का सिद्धांत है वर्ष का जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस परिपेक्ष में उसकी चर्चा की गई है उस परिपेक्ष में अगर हम समझें जैसे अगर हम ये समझ रहे हैं कि क्यों कुछ खास वर्ग के लोग खास जात के लोग खास लिंग के लोग को ही स्वच्छता से संबंधित कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी दी गई है अगर हम अपने आप को रखें कि अगर सिर्फ हमें ये दिया जाता है तो अपने को अगर उस स्थान पर रखकर अगर हम कोशिश करें प्रयास करें कि अगर हम जानने की प्रया का प्रयास करें कि क्यों ऐसा हो रहा है समाज में जो स्वच्छता से संबंधित धारणाएं हैं या सिर्फ एक धारणा है या समाज में जो और प्रचलित मान्यताएं हैं सांस्कृतिक अवधारणाएं हैं इसका भी इसमें कई महत्वपूर्ण योगदान है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे स्वच्छता के समाज शास्त्र में समाज शास्त्र में एक प्रमुख सिद्धांत है ऑगबॉर्न का कल्चरल लैग का सांस्कृतिक विनमना जिसको बोलते हैं इस सिद्धांत में भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की बात की गई है भौतिक संस्कृत माना गया है जो समाज में दिखता है जैसे मकान हुआ सड़क हुआ रोड हुआ जो भौतिक वस्तुएं हैं और अभौतिक संस्कृति वो है जैसे मान्यताएं मान्यताएं और परंपराएं हैं ज्ञान है सोच है धार्मिक अवधारणाएं हैं इसको अभौतिक संस्कृत कहा गया है औगवर्ण के द्वारा जब भौतिक संस्कृति आगे हो जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है इसी परिस्थिति को सांस्कृतिक विनम्बना या कल्चरल लैग कहा जाता है स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कल्चरल लैग या इस अवधारणा की औवर्ण की चर्चा करें तो कई जगह हमने पाया कि स्वच्छता से संबंधित जो है वह भौतिक स्तर पर जैसे कि शौचालय का निर्माण तो कर दिया गया है लेकिन लोग अभी भी अपनी पुराने मानसिकता के कारण या रूढ़वादी सोच के कारण उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं इसी तरह से लिंग से संबंधित महिलाओं से संबंधित कई समस्याएं हैं जिसमें हमें यह लग रहा है कि भौतिक स्तर पर या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में इसमें कोई समस्या नहीं है जरूरत है तो हमें अपने सोच को बदलने की अगर हम अपनी सोच बदलते हैं मानसिकता बदलते हैं तब जो ये भौतिक संस्कृति आगे भाग रही है अभौतिक संस्कृति पीछे रह रही है इसमें अगर तालमेल हो जाएगा तो इससे भी हम स्वच्छता का समाज शास्त्र को समझने में हम इसमें मदद कर सकते हैं और यही कारण है कि समाज संस्कृति पर्यावरण स्वच्छता ये इन सब में अन्योन्याश्रय संबंध है और इनके अन्योन्याश्रय संबंध का ही परिणाम है कि जब हम विकास कर रहे हैं तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि विकास किसी तरह का विकास कर लेने से क्या फायदा हो सकता है क्या पर्यावरण और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हुए अगर हम विकास कर रहे हैं तो उससे क्या दूरगामी परिणाम हमें मिलेंगे विगत कुछ महीनों में जो घटनाएं घटी हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में या विश्व स्तर पर भी इससे हमें ये पता चलता है कि, कि किसी तरह का विकास हर तरह का विकास समाज के लिए लाभकारी नहीं हो सकता है अगर हम सही में विकास चाहते हैं तो हमें पर्यावरण का हमें स्वच्छता का और जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं इसमें तालमेल करके ही हमें विकास करना चाहिए विकास की भी एक सीमा होती है और विकास अगर पर्यावरण को स्वच्छता को इसको बिना ध्यान में रखते हुए अगर हम विकास के दौर में दौड़ लगाएंगे तो शायद हम उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर हम ये सोचें कि स्वच्छता पर्यावरण संस्कृति मान्यताएं इसको ले हुए साथ में ले चलते हुए तब अगर हम विकास करें तो उस तरह का विकास सभ्यता के लिए संस्कृत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा इन सब इस सब पृष्ठभूमि में जो हमारा दस व्याख्यान का जो ये अकादमिक मंथन होने वाला है जो हम आगे अब आपके साथ वार्तालाप करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि दस श्रृंखलाओं पर स्वच्छता का समाजशास्त्र इस पृष्ठभूमि में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे दस श्रृंखला का व्याख्यान तैयार किया गया है स्वच्छता का समाज शास्त्र में इसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे अलग अलग व्याख्यान में जो आपके व्यावहारिक जीवन में और आपके व्यक्तित्व निर्माण में आपके महत्वपूर्ण निर्माण जिससे कि आप समाज का निर्माण कर सकते हैं अपने परिवार का अच्छे को खुशहाल रख सकते हैं राष्ट्र निर्माण में भी आपकी योगदान हो सकती है तो इन पाठ्यक्रम से आपको कई सारे इस तरह के लाभ होंगे ही अकादमिक लाभ तो होगा ही आपको और भी कई तरह के लाभ हो सकते हैं आपको और साथ ही समाज का और विश्व का भी इससे कई सारे इसके लाभ होने वाले हैं अब हम स्वच्छता के समाजशास्त्र का जो ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो किन उद्देश्य को ध्यान में रख के तैयार किया गया है अगर हम इस पर बात करें तो स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम जो है इसका उद्देश्य कुछ इस तरह है यह पाठ्यक्रम छात्रों को स्वच्छता के सामाजिक पहलुओं को सीखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है जैसा कि हम बता चुके हैं दस व्याख्यान पर आधारित रहेगा ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम तो दस व्याख्यान विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा करेगी तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है यह पाठ्यक्रम आपको इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि संवेदनशील आपका व्यवहार अगर होगा क्योंकि हम सब जानते हैं स्वच्छता आपके व्यवहार परिवर्तन के स्तर पर भी जरूरी है तो ये अगर आप संवेदनशील रहेंगे कि क्या क्या घटना हो रही है या हमारा जो व्यवहार है वो कैसे हो हम संवेदनशील व्यवहार करें इसमें भी आपको ये लाभ दे सकती है और साथ ही यह पाठ्यक्रम आत्म प्रतिक्रियाशीलता और आत्मालोचनात्मक सजगता को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाजनक बिंदुओं को स्वच्छता के मुद्दों को देखने में मदद करता है यह इसलिए भी संवेदनशील माना जाता है एरविंग गॉफमैन की एक किताब है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ उसमें एरविंग गॉफमैन बात करते हैं कि हम दो तरह से अपना व्यवहार करते हैं इन्होंने टर्म यूज किया है बैक रीजन और फ्रंट रीजन मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से जहां हम समाज के सामने में रहते हैं वहां हम एक व्यवहार जो करते हैं वह हमारा अलग तरह का व्यवहार होता है और परिवार के अंदर या ऐसे जगह में जहां हम ये समझ रहे हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है वहां जो हमारा व्यवहार होता है वो कुछ अलग तरह का व्यवहार होता है स्वच्छता से संबंधित क्या एक गलत धारणा प्रचलित हो रही है जब हम ये समझ रहे हैं कि हम लोगों के सामने में हैं, लोगों को हमें लोग हमें देख रहे हैं हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं कई लोग हमें देख रहे हैं तब तो हम स्वच्छता से संबंधित व्यवहार में पूरा संवेदनशील रहते हैं जैसे अगर हम कार्यालय में हैं या विश्वविद्यालय या कॉलेज में हैं वहाँ अगर हमें कुछ फेंकना हो कागज़ का टुकड़ा तो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं वहाँ हम अपना व्यवहार करने में पूरा का पूरा संवेदनशील रहते हैं सचेत रहते हैं सचेत रहते हैं लेकिन वही अगर हम घर में जब व्यवहार करने लग जाते हैं तब हम उतना सचेत नहीं रह पाते हैं लेकिन अगर स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद हम इस चीज़ से अवगत हो जाते हैं कि हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा आसपास स्वच्छ हो हमारा आसपास ऐसा हो जिसमें हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें तो हमें यह किस रूप में अधिकार है कि हम अपने घर का कूड़ा कचरा या बाकी ऐसी चीज़ जो गंदगी फैलाती है दूसरों के घर में रात के अंधेरे में जाके हम दूसरे ओर जाके फेंक दें तो इसमें भी हमें सजगता की ज़रूरत है और संवेदनशील होना पड़ता है तो ये भी जब हम स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे तो इस अकादमिक मंथन के द्वारा हम ये भी सीख पाएंगे कि हमें दूसरों के सामने भी सजग रहना है और जब दूसरा हमें नहीं देख रहा है तब भी हमें सजग रहना है तो दोनों में तालमेल होनी चाहिए हमारा लोगों के सामने जो व्यवहार होता है और हमारा जब लोगों के सामने हम नहीं रहते हैं तब भी हमारा व्यवहार और आचरण ऐसा ही हो अब जब हमने इन उद्देश्यों की चर्चा कर ली तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इस पाठ्यक्रम को कर लेने के बाद हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं तो इस पाठ्यक्रम को कर लेने के बाद जो आपको सीखने के परिणाम होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद शिक्षार्थी वास्तविक जीवन के अनुभव और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों के बीच संबंध विकसित करने स्वच्छता के विभिन्न सामाजिक पहलुओं को समझने तथा स्वच्छता संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने में सक्षम होंगे तो इसको जिसको कोर्स का आउटकम बोला जाता है जब आप ये कोर्स जब आप ये पाठ्यक्रम कर लेंगे स्वच्छता का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन तो आपको ये फायदे होने वाले हैं इसको कर लेने के बाद अब अगर हम ये देखें कि जैसा हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि दस श्रृंखला में ये जो पूरा पाठ्यक्रम है वह संपन्न किया जाएगा तो ये दस श्रृंखला जो होगा दस व्याख्यान जो दिए जाएंगे वो अलग अलग मुद्दों पर दिए जाएंगे वो दस जो अलग अलग व्याख्यान होंगे वो इन दस मुद्दों पर होंगे जो इस प्रकार से हैं पहला जो व्याख्यान होगा जो कि आज हम कर रहे हैं स्वच्छता का समाजशास्त्र अर्थ प्रकृति एवं महत्व दूसरा व्याख्यान होगा भारत में स्वच्छता ऐतिहासिक परिपेक्ष स्वच्छता से संबंधित हमारी क्या मान्यताएं रही हैं भारतीय समाज की क्या धरोहर है ऐतिहासिक परिपेक्ष में हम चर्चा करने की का प्रयास करेंगे स्वच्छता को लेकर जाति एवं स्वच्छता जैसा कि हम बता चुके हैं जाति और स्वच्छता में बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है जाति को बहुत ही नज़दीक से स्वच्छता के साथ जोड़ा गया है सामाजिक मान्यताएं ऐसी प्रचलित हैं भारत में इससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं जो परिकल्पनाएं हैं उसकी वृहद चर्चा की जाएगी जाति और स्वच्छता में चौथा व्याख्यान होगा लिंग और स्वच्छता लिंग और स्वच्छता में हम इस आ, मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं और महिलाएं और पुरुष दोनों निश्चित रूप से स्वच्छता से प्रभावित होते हैं लेकिन कुछ जैविकीय कारणों से और कुछ शारीरिक कारण से महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं स्वच्छता से संबंधित तो लिंग और स्वच्छता इस व्याख्यान में हम महिलाओं को कौन सी खास परिस्थितियां हैं कौन सी खास समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित और उस दिशा में हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं इस पर वृहद जानकारी हम प्राप्त करेंगे चौथे व्याख्यान लिंग और स्वच्छता में पांचवा व्याख्यान हमारा केंद्रित रहेगा समाजीकरण एवं स्वच्छता पर समाजीकरण जैसा अब हम सब जानते हैं कि सीखने की एक प्रक्रिया है तो समाजीकरण में हम ये सीखने का प्रयास करेंगे जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है इसके व्यावहारिक पक्ष भी जानने की हमें ज़रूरत है इसका हम सिर्फ अवधारणा नहीं जानेंगे बल्कि हम इसमें अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाएं और व्यवहार निश्चित रूप से सीखने की एक प्रक्रिया है हम अपने घर परिवार में सीखते हैं और कई लोगों से सीखते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा हो समाजीकरण और स्वच्छता में हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमारा जो छठा व्याख्यान होगा उसमें पर्यावरण और स्वच्छता स्वच्छता और पर्यावरण बहुत ही नज़दीक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पर्यावरण को बिना स्वच्छता के और स्वच्छता को बिना पर्यावरण के नहीं समझा जा सकता है इसी के विभिन्न पहलुओं पर हम अपने छठे व्याख्यान में चर्चा करेंगे पर्यावरण एवं स्वच्छता सातवां जो हमारा व्याख्यान होगा वह जन स्वास्थ्य जिसको पब्लिक हेल्थ बोलते हैं जन स्वास्थ्य और स्वच्छता स्वच्छता और स्वस्थता, स्वच्छ रहना और स्वस्थ रहना दोनों की हमको आवश्यकता होती है तो कैसे हम स्वच्छ रहते हुए स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता की कैसे जरूरत है इस पर वृहद चर्चा की जाएगी हमारा सातवां जो व्याख्यान होगा जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आठवां जो हमारा व्याख्यान केंद्रित रहेगा उसमें हम स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा करेंगे स्वच्छता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं क्या क्या परिदृश्य है क्या हम देख रहे हैं आज के संदर्भ में क्या हम सतत विकास की चर्चा कर रहे हैं कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य इससे संदर्भित हैं इन सब विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे अपने आठवें व्याख्यान स्वच्छता अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नौवा जो हमारा व्याख्यान होगा वह केंद्रित रहेगा भारत की जो विभिन्न सरकारी नीतियाँ हैं एवं कार्यक्रम हैं वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं कौन कौन सी नीतियाँ हैं जो विशेषतः स्वच्छता से संबंधित हैं और इन कार्यमों कार्यक्रमों को किस उद्देश्य से विभिन्न समयों में बनाया गया है अलग अलग समयों में समयों में अलग अलग उद्देश्य से इन विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है उसके क्या उद्देश्य हैं कब बने हैं और उसकी क्या प्रासंगिकता आज के समय में है वह कहाँ तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं इन विभिन्न बिंदुओं पर हम बात करेंगे अपने नौवें व्याख्यान स्वच्छता भारत में सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम में हमारा दसवां व्याख्यान होगा सुलभ स्वच्छता आंदोलन पर सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है उसकी काफ़ी अहम भूमिका रही है स्वच्छता से संबंधित सुलभ संस्था के क्या क्या योगदान हैं और शौचालयों के अलावा स्वच्छता से संबंधित ये कौन कौन से कार्य कर रहे हैं इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे सुलभ स्वच्छता आंदोलन में ये जो दस व्याख्यान की श्रृंखला की चर्चा की गई है इससे आप ये जान पाएंगे कि हम जो आने वाले दस व्याख्यान हैं उसमें किस किस पक्ष पर चर्चा करेंगे और इसके आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि हमारा जो दस व्याख्यान की श्रृंखला है ये जो खास पाठ्यक्रम है स्वच्छता का समाजशास्त्र इसमें स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं को हम किस तरह से उसमें देखने की का प्रयास करेंगे जैसा कि हम बता चुके हैं 2013 में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और 2013 का जो वर्ष है वह स्वच्छता के क्षेत्र में जिसको कुहन ने थॉमस कुहन ने पैराडाइम शिफ्ट की चर्चा की थी एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है किसी क्षेत्र में तो 2013 को उसी तरह का माना जाता है क्योंकि इसी समय से 2013 से ही विभिन्न मंचों पर और कई पुस्तक भी लिखे गए विभिन्न मंचों पर इसका अकादमिक मंथन हुआ और उसके बाद भारत में बहुत जोर शोर से बिंदेश्वर पाठक के नेतृत्व में समाज का स्वच्छता का जो समाज शास्त्र है स्वच्छता के समाज शास्त्र पर वृहद चर्चा की शुरुआत हुई तो 2013 में स्वच्छता के समाज शास्त्र की शुरू वृहद चर्चा शुरू हुई भारत में और इसके अग्रणी माने जाते हैं बिंदेश्वर पाठक बिंदेश्वर पाठक ने 2013 में इस तरह से स्वच्छता के समाज शास्त्र को परिभाषित किया है जो उसी राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिपादित किया उन्होंने वो कुछ इस प्रकार है स्वच्छता का समाजशास्त्र स्वच्छता सामाजिक वंचन जल जन स्वास्थ्य आरोग्यता पारिस्थितिकी पर्यावरण गरीबी लैंगिक समानता बच्चों के कल्याण एवं लोगों के सशक्तिकरण से जुड़े समाज की समस्या का समाधान का वैज्ञानिक अध्ययन है जो सतत विकास और दार्शनिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से खुशहाल जीवन जीने और अन्यों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है जैसा कि इसमें आपने देखा होगा कि जो वृहत परिकल्पना है स्वच्छता के समाजशास्त्र की इसमें स्वच्छता से संबंधित ऐसे कई पहलुओं की चर्चा की गई है जिसको सामान्य रूप से लोग मानते हैं कि ये स्वच्छता से संबंधित नहीं है जबकि इसमें आपने देखा होगा और जिसके हम बृहद चर्चा विभिन्न व्याख्यानों में करेंगे कि कई ऐसे पक्ष हैं स्वच्छता से संबंधित जिसको हम सामान्य रूप से ध्यान नहीं देते हैं उससे संबंधित भी चर्चा इसमें की जाती है और ख़ास करके जो इसका अंत अंत में कहा जाता है कि इसके पालन करने से इसको समझने से हम अपने व्यक्तिगत जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं और दूसरों को भी वैसा अवसर दे सकते हैं जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करें तो इस पाठ्यक्रम को करने के बाद हमें व्यक्तिगत स्तर पर तो लाभ होने ही वाला है बल्कि समाज को भी हम बहुत कुछ लाभ दे रहे हैं इससे राष्ट्र को भी हम इससे बहुत लाभ दे रहे हैं और इससे अंततः हम विश्व स्तर पर भी लाभान्वित कर रहे हैं पूरे विश्व स्तर को जब हम स्वच्छता के समाजशास्त्र की बात करते हैं तो जैसा हमने उसकी अवधारणा की चर्चा कर ली कि स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है उसको कैसे बिंदुसर पाठक ने परिभाषित किया है और स्वच्छता का समाजशास्त्र जैसा कि आप सब जानते हैं इसमें व्यावहारिक पक्ष की भी चर्चा की जाती है इसको व्यवहार में हम कैसे लाएँ और ख़ास करके इसके जो मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं उसकी भी चर्चा की जाती है हम मानसिक रूप से भी अपने आप को तैयार करें यह सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही निर्धारित नहीं है यह सिर्फ स्वस्थ अस्वस्थता से ही निर्धारित नहीं है बल्कि और कई ऐसे इसमें तत्व समाहित हैं जिसकी जरूरत है जिसकी आवश्यकता है स्वच्छता के समाजशास्त्र की अवधारणा को समझने के लिए किसी भी विषय की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके जो प्रकृति होते हैं उसके जो विशेषताएं होते हैं उससे उसको और अच्छी तरह से समझा जा सकता है स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है इसकी प्रकृति को हम इस तरह से समझ सकते हैं था इसकी जो पहली प्रकृति है विशेषता है वस्तुनिष्ठता जैसा कि आप जानते हैं अगर हम वस्तुनिष्ठ था अपने बोलने बोलचाल की भाषा में अपने लेखन में और कई जगह हम वस्तुनिष्ठता अगर नहीं लाएंगे अगर हम किसी भी रूप में अगर हम किसी तरह से किसी खास वर्ग खास जाति खास धर्म से संबंधित ही बात करेंगे तो हमारे बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा और ख़ास करके अकादमिक क्षेत्र में व्यक्ति निष्ठता की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप वस्तुनिष्ठ नहीं रहेंगे जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी की वस्तुनिष्ठता की बहुत ज़्यादा जरूरी है जरूरत है और ये चीज़ स्वच्छता के समाजशास्त्र में अच्छी तरह दिखाया गया है आपको चाहे इस पाठ्यक्रम की श्रृंखला में हो या जहाँ कहीं पढ़ेंगे कहीं आपको पढ़ने के दौरान चाहे कोई पुस्तक हो चाहे कोई आप और चीज़ सुन रहे हों कहीं आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें किसी खास जाति खास वर्ग खास लिंग खास संप्रदाय खास क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधारणा विकसित की गई है या जब हम बात करते हैं स्वच्छता की तो हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहता है कि किसी खास हमारी जो विचारधारा है वो प्रचारित प्रसारित हो हम जिस जाति से हैं हम जिस लिंग से हैं हम जो क्षेत्र के हैं इसकी इसमें कहीं चर्चा नहीं की जाती है तो किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता परम आवश्यक है और निश्चित रूप से स्वच्छता का समाजशास्त्र के की जब हम चर्चा करते हैं तो वस्तुनिष्ठता उसमें निश्चित रूप से अंतर्निहित है इसकी दूसरी विशेषता है सामान्यता सामान्यता निश्चित रूप से जिसको जनरलिटी बोलते हैं यह हर किसी व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से लागू होता है यह ऐसा नहीं होगा किसी क्षेत्र में पांच व्यक्ति के लिए ये लागू होगा पांच व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा या आपको तो स्वच्छता से संबंधित व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना चाहिए और उनको नहीं लाना चाहिए ऐसी बात भी नहीं होती है समाज के हर व्यक्ति के लिए चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो क्षेत्र का हो उसके लिए सामान्य रूप से स्वच्छता का समाजशास्त्र की जो अवधारणा है वह लागू होती है और उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा भी जाना चाहिए जब हम कोई नई चीज़ सोचते हैं या जब हम इस दिशा में कोई काम करने की कोशिश करें तो हम ये निश्चित रूप से सोचें कि इसकी सामान्यता बनी रही या इसका सबके लिए ये सामान्य रूप से लागू हो इसीलिए इसमें जो सामान्यता की विशेषता है वो अंतर्निहित है स्वच्छता के समाजशास्त्र में सत्यापन सत्यापनीयता जिसको वेरीफाइबलिटी बोलते हैं आप किसी भी तरह से देख लीजिए अगर आप अपनी बातों में वस्तुनिष्ठ रहेंगे आप जो बोल रहे हैं आप जो लिख रहे हैं अगर आप वस्तुनिष्ठ रूप से रूप रहे हैं लिख रहे हैं बोल रहे हैं किसी भी रूप में उसकी परीक्षा ली जाए उसका परिणाम एक ही होगा बार बार आप उसको दोहराते रहिए कितनी बार उसको जांच पर रख लीजिए हर हाल में वह वही परिणाम देगा क्योंकि जब आपने बोला जब आपने लिखा जब आपने काम किया आप किसी खास व्यक्ति विशेष को जाति विशेष को धर्म विशेष को ध्यान में रखते हुए आपने नहीं किया और चूंकि आपने ऐसा नहीं किया है इसलिए इसकी सत्यापनीयता कभी भी की जा सकती है इसको किसी स्तर पर परखा जा सकता है जांचा जा सकता है सत्यापित किया जा सकता है जो इसकी अगली विशेषता मानी जाती है मूल्य निरपेक्ष विज्ञान है ये इसलिए मूल्य निरपेक्ष माना आ जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मूल्य मान्यता पर बल नहीं दिया गया है कि इस मूल्य को मानो इस मान्यता को मानो इस अवधारणा को मानो इस प्रचलित धारणा को हम नहीं मानते हैं इस प्रचलित धारणा को हम मानते हैं ये अच्छा है ये बुरा है इसकी कहीं चर्चा नहीं की गई है और जब हम मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं वैल्यू फ्री की बात करते हैं तब निश्चित रूप से यह सर्वमान्य होता है क्योंकि तब सबको लगेगा कि मेरे ही भलाई के लिए ये बात की जा रही है अगर हम इसमें मूल्य सापेक्षता की बात करते हैं जब कोई भी बात मूल्य सापेक्ष हो जाता है तब लोग समझते हैं कि ये तो उस व्यक्ति के लिए है उस समुदाय के लिए है उस क्षेत्र के लिए है लेकिन अगर हम मूल्य निरपेक्ष होकर जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तब सब समझता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है मेरे लिए भी ये उपयोगी हो सकता है तब वह उसी जोश उसी उत्साह के साथ उस दिशा में काम करने की वो कोशिश करता है इसलिए स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है यह मूल्य निरपेक्ष विज्ञान है व्यावहारिक विज्ञान व्यावहारिक रूप में आप इसको दिन प्रतिदिन की अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं जैसे आप घर में रहते हैं आप पानी जब पीते हैं पानी कितना खर्चा करें उसको व्यर्थ न बहाएं जहां आप रहते हैं वहां का वातावरण साफ सफाई हो आप साफ सफाई वाले क्षेत्र में रहेंगे तो आप ही स्वस्थ रहेंगे ये दिन प्रतिदिन की जो हमारी घटनाएं होती हैं हमारे जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें इसका असर हमको दिख जाता है कि वो एरिया गंदा है वहाँ मच्छर ज़्यादा हैं बीमार लोग ज़्यादा पड़ जाते हैं यह एरिया साफ़ सुथरा है यह ऐसी कोई घटनाएँ नहीं हो रही हैं तो इसका तुरंत आपको परिणाम भी दिख रहा है आपको इसके लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति की या कोई बहुत बड़े इस तरह के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है दिन प्रतिदिन में ही तुरंत आपको इसका परिणाम दिख जाएगा इस दृष्टिकोण से कहा गया है यह एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसको व्यवहार में लाने की भी जरूरत है और इसके व्यावहारिकता के कारण ही यह बहुत जल्दी ही खूब लोकप्रिय विज्ञान बनता जा रहा है अनुभवजन्य विज्ञान जैसा कि आप सब जानते हैं आप सबके स्वच्छता से संबंधित कुछ ना कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव रहे होंगे उस अनुभव को ही आप अपने दूसरों से अपने बच्चों से जैसा हमने बात किया जो समाजीकरण के द्वारा या जब हम सिखाते हैं तो अपने जो हमारे अनुभव हैं वह हम अगर दूसरों को बाँटें अगर हम अपना अनुभव दूसरों को बाँटते हैं उसको भी हम कुछ सिखाते हैं और खुद भी हम कुछ सीखते हैं जैसे इसके लिए भी हमें कभी सिखाया जाता है कि हम अपने ज्ञान को या अपनी विचारधारा को अगर हम दूसरे को बांटते हैं तो वो भी हमसे कुछ लेता है हम भी उससे कुछ लेते हैं तो ये स्वच्छता का समाज शास्त्र जो है यह अनुभव जन विज्ञान है और इसका लाभ भी हम उठा सकते हैं उसी तरह कार्यकारण संबंध कार्यकारण संबंध स्पष्ट परिलक्षित होता है स्वच्छता के समाजशास्त्र में इसका मुख्य कारण यह है कि कार्य कारण संबंध में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर हम पानी का दुरुपयोग करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि जब गर्मी का महीना आ जाता है तो पानी हमारे नल में आना कम हो जाता है या चापाकल पानी देना बंद कर देता है अगर हम खुले में शौच को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं अगर हम और ऐसी कई गलत चीज़ करते हैं जो स्वच्छता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं ये हमें तुरंत दिख जाते हैं कार्य कारण संबंध इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख जाएगा क्योंकि क्योंकि हम इसमें यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका कार्य है और ये इसके परिणाम आने वाले हैं अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम आ रहा है अगर हम अपने क्षेत्र को जहां हम रह रहे हैं वहां का वातावरण बहुत अच्छा बना के हमने रखा है कोई गंदगी नहीं है बहुत कुछ साफ सफाई है तो वहाँ का जो वातावरण होगा और उसकी तुलना में जब हम किसी ऐसे क्षेत्र की को देखते हैं जहाँ गंदगी है जहाँ मक्खी रहती है जहाँ और बहुत कुछ समस्याएं रहती हैं वहाँ ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं वहाँ तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं और एक बार बीमारी की शुरुआत होती है वो कई रूप में चलता चला जाता है इस तरह से हम समझ सकते हैं या अभी जो हाल ही में कोरोना वायरस का प्रकोप आया था इसमें भी हम स्वच्छता या बाकी जो इसके पहलू हैं इसको हम बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पाए हम प्रत्यक्ष रूप से समझ पाए कि स्वच्छता की क्या भूमिका हो सकती है व्यक्ति के जीवन में अगर हमें समझना होगा तो कोरोना वायरस का जो प्रकोप था उस दौरान शायद हम सबसे ज़्यादा समझ पाए कि स्वच्छता की क्या भूमिका हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है और यह इसका विनाश कितना विद्रूप रूप धारण कर सकता है कितनी भयावह परिस्थिति तो हो सकती है न सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि व्यापक स्तर पर विश्व स्तर पर इसकी भयावहता कितनी दूर तक जा सकती है इसका प्रत्यक्ष हम अनुभव कर पाए थे कार्य कारण संबंध में देखना चाहें जबकि हम कोरोना वायरस का अनुभव ले रहे थे दुर्भाग्यवश इसी तरह से जब हम इस जानने की कोशिश करें कि ठीक है स्वच्छता का समाजशास्त्र है स्वच्छता के समाजशास्त्र हमारे व्यक्तिगत जीवन में लाभकारी है स्वच्छता का समाजशास्त्र से हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें कैसे हम क्या करें इसकी अगर हम प्रासंगिकता की बात करें इसकी अगर हम लोकप्रियता की बात करें इसकी अगर हम महत्व की बात करें तो स्वच्छता के समाजशास्त्र के क्या क्या महत्व हैं या स्वच्छता का समाजशास्त्र जब हम पढ़ रहे हैं इस इस पाठ्यक्रम को जब हम कर रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं इसको इस पर अगर हम ध्यान देने की कोशिश करें तब हम पाते हैं कि स्वच्छता के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब होता है उसमें हम वस्तुनिष्ठता रखें उसमें संबंध दिखाएं, उसको हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने की कोशिश करें तो स्वच्छता को अध्ययन करने के लिए इसके वैज्ञानिक पक्ष को देखने के लिए पर्यावरण विद अध्ययन कर रहे हैं चिकित्सक हैं वो उसके स्वास्थ्य संबंधित पक्ष के अध्ययन कर रहे हैं इसके जो व्यापक रूप से समाज में बस फैले हुए समाज में जो इसकी व्यापकता है उसके अध्ययन करने के लिए अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तब इसमें हम देखेंगे कि स्वच्छता का समाज शास्त्र ही ऐसा एक सामाजिक विज्ञान है जो स्वच्छता से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक है इसके दूसरे पक्ष की जब हम बात करते हैं समाज कल्याण में सहायक हम इससे स्वच्छता के समाजशास्त्र से दूसरों को भी मदद कर सकते हैं जब हम स्वच्छता का समाजशास्त्र पढ़ेंगे या दूसरों को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं तब इसमें हम ये देखते हैं कि स्वच्छता का समाजशास्त्र समाज, समाज कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इसलिए कि जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो हम भी समाज के ही प्रमुख अंग माने जाते हैं और जब हम समाज के अंग हैं समाज का कल्याण होगा अगर तो हमारा व्यक्तिगत कल्याण भी होगा इस तरह से स्वच्छता का समाजशास्त्र पढ़ के हम समाज कल्याण की अवधारणा को भी बढ़ावा दे सकते हैं और समाज कल्याण में भी हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं स्वस्थ समाज को समझने एवं योजना बनाने में सहायक जब तक हम समाज को समझेंगे नहीं समाज के स्वास्थ्य से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित पक्ष को कि उसके विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि इस समाज के लिए क्या क्या करना आवश्यक है इस समाज के लिए क्या क्या करना जरूरी है इसके लिए ज़रूरी है कि हम समाज के विभिन्न पक्ष को समझें स्वास्थ्य पर्यावरण से संबंधित उस समाज में जो जो विभिन्न पहलू हैं उस समाज में क्या क्या प्रचलित मान्यताएं हैं उस समाज के लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं उस समाज की क्या परिस्थिति है क्योंकि जिस तरह से हम किसी पहाड़ी क्षेत्र को किसी जनजातीय क्षेत्र को किसी ग्रामीण क्षेत्र को किसी शहरी क्षेत्र को अध्ययन कर सकते हैं उसी तरह से हम हर क्षेत्र को अध्ययन नहीं कर सकते हैं हर क्षेत्र की अपनी अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं जब हम समाज का अध्ययन करेंगे उसमें अंतर्निहित विभिन्न पक्षों को जानेंगे तभी हम उसके उत्थान के लिए उसके व्यवस्थित पुनरुद्धार के लिए कुछ कर सकते हैं तो स्वच्छता का समाजशास्त्र समझने के बाद हम उस समाज को भी समझ सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में भी अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं स्वच्छता एवं है साफ सफाई से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक स्वच्छता एवं साफ सफाई से संबंधित समस्याएं जैसा कि हम सब जानते हैं यह सामाजिक स्तर पर होता है या कोई विश्व स्तर इस पर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो शायद इसमें हम असफल हो जाएंगे क्योंकि हर एक समाज की अपनी कुछ विशेष या खास समस्याएं होती हैं क्योंकि हर समाज की मान्यताएं उसकी अपनी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसी में चलती है हर समाज की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके जो वहाँ के जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वहाँ का जो पर्यावरण है उसके अनुरूप होता है चाहे वह उसका खान पान हो चाहे उसका रहन सहन हो चाहे उस क्षेत्र में जो भवन निर्माण का कार्य होता है चाहे उसके क्षेत्र में जो किस तरह के भोज्य पदार्थ किस तरह के पेयजल की व्यवस्था हो यह उस क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग होती है उसी तरह से वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं अगर हम इसको नहीं समझेंगे उसको जब हम ठीक से समझ लेंगे कि स्वच्छता से संबंधित पर्यावरण से संबंधित इस क्षेत्र विशेष की क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं इसको समझने के बाद ही उस क्षेत्र के लिए क्या क्या योगदान हमारा हो सकता है और जब हम स्वच्छता के समाजशास्त्र के पाठ्यक्रमों का गहन अध्ययन कर लेंगे तब निश्चित रूप से उस क्षेत्र विशेष की जो समस्याएं हैं जिसके समाधान करने में हम सहायक हो सकते हैं क्योंकि उस क्षेत्र विशेष की समस्या हम समझ चुके हैं क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से हम स्वच्छता के समाजशास्त्र की जानकारी ले चुके हैं उसमें क्या समस्याएं हैं क्या समाधान है और उस समाधान को कैसे किया जा सकता है क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग स्थानीय सामाजिक जो ढांचा है वहां की जो मान्यताएं हैं उसको किनारा करके हम उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो किसी समस्या का समाधान उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है क्योंकि किस परिप्रेक्ष्य में किस धारणा के साथ उन वहाँ के लोग जो, जो हैं वह क्यों व्यवहार कर रहे हैं कैसे सुधरेंगे तो इसमें भी स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है हमको महत्वपूर्ण सहायता देता है उसकी उद्धार करने के क्रम में स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण बदलने में सहायक यह बहुत बड़ी बात है दृष्टिकोण जो है हमारा माइंडसेट जो है हमारी सोच जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी समाज में जब हम स्वच्छता के समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं किस दिशा में सोच रहे हैं क्या हम जो सोच रहे हैं वह ठीक सोच रहे हैं क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं इस संदर्भ में जैसा कि हम अभी तुरंत बात कर रहे थे इरविंग गॉफमैन की हमारी जो सोच है हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है अगर हमको कोई देख रहा है तब हम अपनी सोच के हिसाब से अलग व्यवहार करने लगते हैं अगर हमें कोई नहीं देख रहा है तब हम अलग व्यवहार करने लग जाते हैं हमें ये देखना चाहिए कि हम सोच अपनी ऐसे विकसित करें कि अगर कुछ कोई हमें नहीं भी देख रहा है तब भी हम वैसा ही व्यवहार करें हम व्यापक स्तर पर व्यापक स्तर पर अपनी मनोदशा सुधारें व्यापक स्तर पर अपनी जो चिंतन परंपरा है उसको हम ध्यान में रखें कि हम जिस समाज से हैं हमारी जो मान्यताएं हैं भारतीय समाज की जो मनो मान्यताएं हैं उसको हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं क्या हमारी चिंतन परंपरा ये बताती है कि हम दूसरों को कोई तकलीफ दें या समाज को हम स्वच्छ न रखें तो हमारी जो मूल्य है परंपरा है मान्यता है जो कि हमारे समाज में अंतर्निहित है जब हम समाजीकरण के द्वारा वो सीखते हैं तब उसको हम समझने की कोशिश करें और उसके अनुरूप हम जो खास तरह के सोच विकसित करें क्योंकि जैसा हम सोच रखते हैं वैसा ही हम कार्य भी करते हैं इसलिए क्योंकि विवेकानंद भी ने भी हमें सिखाया था कि सावधान रहें हम अपनी सोच को विकसित करने के लिए क्योंकि जैसा हम सोच रखते हैं हमारा व्यवहार वैसा ही होता है तो जहां हम व्यवहार में करना चाहते हैं कुछ अच्छा तो उसके लिए हमें अच्छे सोच भी विकसित करने पड़ेगी और अच्छे सोच विकसित करने के लिए हमें व्यापक लेवल पर हमें संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा कि मेरा क्या लाभ होगा मेरे गांव का क्या लाभ होगा मेरे क्षेत्र का मेरे जाति का मेरे परिवार का मेरे लिंग का क्या फायदा होगा अपितु हम व्यापक स्तर इस पर इसमें समझने की कोशिश करें कि, कि किस रूप से इससे जन कल्याण होगा किस रूप से इससे विश्व स्तर इस पर लाभ होने वाले हैं और अगर हम अपनी सोच विकसित करते हैं तो न सिर्फ हमारी सोच विकसित होती है बल्कि हमारे संपर्क में जो हमारे परिवार के अन्य सदस्य होते हैं हमारे जो कार्यस्थल हैं जहां हम कार्य करते हैं तो हमारा व्यवहार करते हुए देख के जो दूसरे लोग व्यवहार करते हैं उनमें भी परिवर्तन आ रहा है जैसे हम अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पानी बह रहा है वहाँ अगर मेरे बंद कर देने से नल अगर पानी रुक जाए तो हम अगर आज बंद कर देते हैं हमको देख करके कर, दूसरा लोग भी ये सीखेंगे जहाँ अगर हम घर में हैं प्रकाश की उतनी ज़रूरत नहीं है अगर हम स्विच ऑफ़ भी कर देते हैं अगर आज हम स्विच ऑफ़ कर देते हैं उससे अगर कुछ हम बचा लेते हैं पर्यावरण की रक्षा करते हैं हमको देख कर कोई दूसरा भी ये कर सकता है इसी तरह से छोटी छोटी ये जो अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं अपने सोच में परिवर्तन लाएं, हम जब दूसरों को बता रहे हैं जो हम बताते हैं दूसरों की कि ऐसा करो वैसा ही जब हम खुद करने लग जाएं, तब इस समाज का भी कल्याण होगा विश्व का भी समाज हो कल्याण होगा हम ये ना सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए है और दूसरे को हम जब सिखा रहे हैं तब उसको हम अच्छी अच्छी बातें बताएं कि ऐसा करो वैसा करो बल्कि जो हम दूसरों को सिखाते हैं वो खुद भी हम करें इसी तरह जब हम हमसे कोई दूसरा व्यवहार करता है तब हम अपेक्षा रखते हैं कि वह अच्छा व्यवहार करे हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार शुरू करें अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा आसपास पूरा स्वच्छ हो साफ़ सुथरा हो कोई दूसरा हमारे क्षेत्र परिसर को हमारे घर को हमारे आलय को कोई हमारा दूसरा व्यक्ति प्रदूषित न करे अगर हम ऐसा अपेक्षा रखते हैं दूसरों से कितना अच्छा होता कि यही चीज़ अगर हम दूसरों पर भी लागू कर दें अर्थात हम भी जब दूसरों के घर आंगन के आसपास जाएं हम भी दूसरों के कार्य क्षेत्र में जाएं हम भी दूसरों के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ का भी साफ़ सफ़ाई उतनी आसानी से कर दें उतनी ही ठीक से करें जितना हम खुद अपेक्षा रखते हैं अगर हम समझते हैं कि कूड़ा कचरा हम अपने एरिया में न फेंकें दूसरा भी मेरे क्षेत्र में न फेंके तो यही काम हम भी करें अपने क्षेत्र से ले जाके अगर हम उसको दूसरों के घर के सामने फेंक देते हैं तो ये हमें नहीं करना चाहिए इस तरह से हमें अपने व्यवहार में हमें अपने सोच में निश्चित रूप से परिवर्तन लाना चाहिए और अगर हम अपने व्यवहार में अपने सोच में इस तरह से परिवर्तन ले आए तब हम समझ सकते हैं कि ये स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम को पढ़ने में हमको फ़ायदा मिला उसके बाद स्वच्छता की संस्कृति को बनाए रखने और बढ़ावा देने में सहायक है स्वच्छता का समाजशास्त्र जब हम स्वच्छता का समाजशास्त्र संस्कृति की बात करते हैं तो ये एक जो प्रचलित धारणा है जो हमारे आपके संस्कृत में मान्यता है प्रचलन चल रहा है कई इसमें ऐसे चीज हैं जिसको अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है कि कैसे रहें कैसे चलें स्वच्छता की जो समस्या है वह सिर्फ बाहरी स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है भारतीय परंपरा में भारतीय परंपरा में तो हम मनसा वाचा कर्मना स्वच्छता की बात कर रहे हैं अर्थात हम आंतरिक स्वच्छता और वाह स्वच्छता की भी बात करते हैं सो so, स्वच्छता की संस्कृति जो है भारतीय समाज में बहुत ही प्रबल रही है बहुत ही मजबूत रही है स्वच्छता की संस्कृति अगर हम अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार में हमारे जो सामाजिक मान्यताएं, मूल्य परंपराएं हैं उसमें जो स्वच्छता से संबंधित अंतर्निहित उपदेश हैं उसमें जो स्वच्छता से संबंधित संस्कृत के पक्ष हैं उसको हम जानने की कोशिश करें और अपने जो नए बच्चे हैं अगला पीढ़ी है उसको भी समझाने की कोशिश करें क्योंकि सामान्य रूप से ये लुप्त प्राय है अगर हम इसको पुनर्जीवित नहीं करेंगे अगर हम इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या हमें फिर से किसी भयावह वैश्विक महामारी की, की की इनका इंतजार नहीं करना चाहिए जिससे फिर कभी कोई, कोई कोरोना वायरस की तरह का कोई ऐसी समस्या है जिसमें हम साफ सफाई या अपने रहन सहन या ऐसी कुछ करेंगे हमें यह जो आया था कोरोना वायरस एक सचेत करके चला गया है जिससे कि हमारी जो अपनी संस्कृति है स्वच्छता से संबंधित चाहे बाकी जो पर्यावरण से संबंधित इसको हम अगर और अच्छा सुधार ना भी कर पाएँ कम से कम इसको नाश करने की का अधिकार हमें नहीं होना चाहिए हम ये जरूर सोचें कि हमारे समाज में जो मान्यताएं हैं हमारी जो संस्कृति है हमारी जो परंपराएं हैं हमारे जो धर्म है ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें साफ सफाई से रहने से मना किया गया है आप जिस किसी भी धर्म के हों आपके धर्म में सबसे पहले पवित्रता की बात कही गई है यहाँ तक कहा गया है कि बिना पवित्र हुए तो भगवान को आप नहीं याद कर सकते हैं चाहे किसी धर्म के हो आप और उसमें आपको पवित्र होने की बात की गई है जब हम धर्म की बात कर रहे हैं इसमें पवित्र होने की बात कर रहे हैं इसमें समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते हमें ये भी पता है कि इमायल दरखम ने भी पवित्र और पवित्र सेक्रेट प्रोफेन की बात की है अगर जांच पर आधारित अध्ययन की बात करें समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते तो लुई ड्यूमा ने भी पवित्रता पवित्रता प्योरिटी पॉल्यूशन की बात की है तो हमारे सम संस्कृति में भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति में जो अंतर्निहित स्वच्छता से संबंधित पवित्रता से संबंधित धारणाएं दी गई हैं हमें वो जान लेना है हमें वो समझ लेना है कि इसकी क्या ज़रूरत है हम अपने समाज में इसको कैसे प्रचार प्रसार में ला सकते हैं हम कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको कैसे उतार सकते हैं इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम इसको दूसरे को ही सिर्फ समझा दें दूसरे अपने अपने संस्कृति की अगर सब समझ लेंगे कि मेरे संस्कृति में ये दिया गया है जब हम अपनी संस्कृति से अपनी जड़ से जुड़े हुए रहते हैं अपनी परंपरागत जो अवधारणाएं हैं उसको याद करते हैं तो स्वच्छता का समाजशास्त्र इससे काफ़ी पल्लवित पुष्पित होता है क्योंकि स्वच्छता के समाजशास्त्र में वही सब चीज़ जानने की कोशिश की गई है कि इससे हमारा विज्ञान मनोवैज्ञानिक पक्ष भी मजबूत हो जब हमारा मनोवैज्ञानिक पक्ष मजबूत होगा हम मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को पाएंगे कि हाँ हम सजग हैं हाँ हमारी जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है हमारी अपनी संस्कृति में बहुत कुछ सिखाया गया है जिससे हम स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं स्वच्छता पर्यावरण समाज संस्कृति ये जो अंतर्निहित जो जितने ये तत्व हैं इसको हम आराम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे पर्यावरण स्वच्छता संस्कृत समाज इस को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं हम किसी भी ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिस समाज में स्वच्छता से संबंधित कोई सांस्कृतिक अवधारणाएं या कोई उसमें मूल्य मान्यता न हो तो हमारे समाज में जब अंतर्निहित सांस्कृतिक मान्यताएं हैं स्वच्छता से संबंधित ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं उसको भी अगर हम समझ लेंगे तो स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है इसका अध्ययन करने से इसके जो दस पाठ्यक्रमों का श्रृंखला है इसको करने के बाद हमको इसमें भी लाभ प्रदान किया जा सकता है और हम लाभान्वित हो सकते हैं ये तो हो गए समाज से संबंधित और व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित अगर हम अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता की समाज शास्त्र इस पर सोचेंगे इसको अध्ययन करेंगे तो खास करके अपने स्वास्थ्य के बारे में तो हम ध्यान दे ही रहे हैं क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण हमारा आसपास हमारा जो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ अगर स्वच्छ माहौल रहेगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ भी हम रहेंगे और अगर स्वच्छता रहेगी स्वस्थ हम रहेंगे तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी हम काफ़ी अपने आप को मजबूत कर पाएंगे और अगर हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने आप को मजबूत कर पाए तब तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ के जा रहे हैं जैसे एक दुखद पहलू है अपने समाज की कि हम संस्कृति से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं अगर हम आज इस स्थिति में हैं कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि अपने आप को हम दूर कर रहे हैं कितना अच्छा होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी अगर ये समझे कि कितना अच्छा है हमारे समाज में संस्कृति को हम पकड़ के रखे हुए हैं हमारे जो और अगर संस्कृति को साथ में लेते हुए चलने की बात आती है तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है हमारा जो जंगली क्षेत्र है इसमें पहाड़ी क्षेत्र है इसमें हम देखें तो कैसे अपने जीवन में वो संस्कृति पर्यावरण स्वच्छता इन सब को साथ में लेते हुए चल रहे हैं और अगर वो इन सब को साथ में लेते हुए चल रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भी भूमंडलीकरण की दौर में इतनी तेज से दौड़ने की गलती ना करें जिससे हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन ही खतरे में आ जाए जिससे हमारा जो समाज है वो खतरा में आ जाए और अंततः हमारी संस्कृति ही खतरे में आ जाए अगर हमारा समाज हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तब हम कहाँ से रह पाएंगे बिना समाज के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि समाज के अस्तित्व के बिना मनुष्य का कोई कल्पना निरर्थक है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है और इसको जैसा कि हमने अभी बताया है से पाठ्य श्रृंखला में इसको विभिन्न व्याख्यानों के द्वारा इसको और इस स्पष्ट रूप से चर्चा की जाएगी और इस पर अगर आपको और गहन अध्ययन की ज़रूरत है तो हमने एक संदर्भ सूची आपके लिए तैयार किया है जिसकी मदद से आप इसको और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और ये संदर्भ सूची कुछ इस तरह से हैं एच एम जॉनसन की पुस्तक है सोशियोलॉजी अ सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन बी के नागला की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन रिचर्ड पायस की पुस्तक है एक्शन सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक रिचर्ड पायस की दूसरी पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन बिंदेश्वर पाठक की संपादित पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डिप्टिवेशन इसी पुस्तक में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने स्वच्छता का समाजशास्त्र को परिभाषित किया है और यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी 2013 में हुई थी उसी संगोष्ठी के परिणाम स्वरूप इस पुस्तक का प्रकाशन हो पाया है बिंदेश्वर पाठक की दूसरी पुस्तक है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ स्केवेंजिंग इन इंडिया राशि सक्सेना की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन। टेलबर्ट मेरियन की ये का आलेख है सैनिटेशन एंड सोशियोलॉजी जो अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में प्रकाशित की गई है यहीं सबसे पहले स्वच्छता को समाजशास्त्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था इसी आर्टिकल में सैनिटेशन एंड सोशियोलॉजी में जी आर पी सिंह की पुस्तक है स्वच्छता का समाज परिचय अनिल वघेला की पुस्तक है स्वच्छता का समाज सास्त्र. इन जर्नल और बुक्स के माध्यम से किस पुस्तकों के माध्यम से आप स्वच्छता के समाजशास्त्र पर और वृहद चर्चा कर सकते हैं इसी के साथ हमारा ये पहला जो व्याख्यान है वो समाप्त होता है हम अगले व्याख्यान में स्वच्छता के समाजशास्त्र के ऐतिहासिक पक्ष पर चर्चा करेंगे धन्यवाद